सनातन धर्म में साल के 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना समाप्त होने वाला है और ज्येष्ठ का माह शुरू होने वाला है। यह महीना जल के देवता वरुण और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किया गया जल दान कई जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है। इस साल ज्येष्ठ मास 24 मई 2024 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। आइए जानते हैं इस महीने में कौन कौन से पर्व और व्रत मनाए जाएंगे और उसकी क्या तारीख है। ज्येष्ठ मास के महत्वपूर्ण पर्व और व्रत। 24 मई 2024 दिन शुक्रवार, नारद जयंती ज्येष्ठ माह शुरू। 26 मई 2024 दिन रविवार, संकष्टी चतुर्थी। 28 मई 2024 दिन मंगलवार, पहला बड़ा मंगल। 29 मई 2024 दिन बुधवार, पंचक शुरू हो रहे हैं इस दिन। 2 जून 2024 इस दिन रविवार पड़ रहा है, अपरा एकादशी शुरू होगी इस दिन। 4 जून 2024 दिन पड़ रहा है मंगलवार, इस दिन मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और दूसरा बड़ा मंगल भी इसी दिन पड़ रहा है। 6 जून 2024 गुरुवार, ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती पड़ेगी। 9 जून 2024 दिन पड़ रहा है रविवार, इस दिन मनाई जाएगी महाराणा प्रताप जयंती। 10 जून 2024 सोमवार, इस दिन पड़ेगी विनायक चतुर्थी। 14 जून 2024 इस दिन पड़ रहा है शुक्रवार, इस दिन मनाई जाएगी धूमावती जयंती। 15 जून 2024 शनिवार, मिथुन संक्रांति महेश नवमी मनाई जाएगी इस दिन। 16 जून 2024 इस दिन पड़ रहा है रविवार, गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 17 जून 2024 यानी कि सोमवार को गायत्री जयंती मनाई जाएगी। 18 जून 2024 मंगलवार, निर्जला एकादशी। 19 जून 2024 इस दिन पड़ रहा है बुधवार और पड़ेगा प्रदोष व्रत। 22 जून 2024 शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, वट सावित्री व्रत और कबीरदास जयंती। ज्येष्ठ मास का अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम के अनुसार ज्येष्ठ मास का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस महीने पवन पुत्र हनुमान और भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये महीना बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। नारद जयंती, बड़ा मंगल, अपरा एकादशी, विनायक चतुर्थी, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे महत्वपूर्ण पर्व इस महीने में मनाए जाएंगे। इसी महीने के पर्व और व्रत का पालन करें और धार्मिक लाभ प्राप्त करें। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।